हक दो, हक दो, जीने का हक दो, हमारे मुतालबात तस्लीम करो, तस्लीम करो, हमारे मुतालबात। आने वाले वक्त में ये नायन हुक्मरान, ये बेहस, ये जो है ना उसमें हुक्मरानी के नशे में चूर लोग हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर होतक, मैं पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन को सूबाई जनरल सेक्रेटरी और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सूबाई तर्जुमान इस वक्त आपके सामने अपने हकूक के हवाले से बात करूंगा। इस वक्त आपके सामने जो मुजाहरा हो रहा है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के जो स्टेक होल्डर तंजीमें हैं ये तमाम उनका हिस्सा है। इससे पहले 25 तारीख को हमने एक कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद हमने पूरे बलूचिस्तान में अपने मुतालबात के हवाले से 25 तारीख को प्रेस क्लबों के सामने तमाम डिस्ट्रिक्टों में मुजाहरा हुआ था। इस वक्त ये क्वेटा डिस्ट्रिक्ट बशमूल यूनिट का हेल्थ ग्रैंड अलायंस का मुजाहरा है। इस वक्त महकमा सेहत को जो सबसे बड़ी तावान है हमारे लिए भी और आवाम के लिए भी, उसको महकमा सेहत को निजकारी की तरफ लेकर जा रहा है, वो इसको प्राइवेटाइज कर रहा है। प्राइवेटाइज मैंने कहा, आपको खुद पता है जिस तरह के इस वक्त के प्राइवेट अस्पताल जो कि हमारे आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, इसी तरह अब उसके बाद हमारे जो सरकारी इस वक्त जो थोड़ा बहुत कुछ गरीबों को एक पेनीडाल का पता या कुछ एक ऑपरेशन या बहुत से गरीब इनसे वाबस्ता है इनसे, तो उनको जो कुछ हो रहा है फिर उसके बाद ये भी नहीं होगा। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के तंजीमों ने मजबूर होकर अपने हकूक के साथ साथ आवाम के जंग को भी लड़ने के लिए हम लोग निकले हैं। इस हवाले से इसका वाज़ेह मिसाल जो है आपको मिल रहा है पूरे बलूचिस्तान में। इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्राइवेट कंट्रैक्ट की बुनियाद पर पोस्टों को लेके जा रहे हैं, इसमें हमारे लवाकिन और हमारे प्रमोशन कोटा ये तमाम उसमें चले गए। तो इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट की तमाम तंजीमें मजबूर होकर अपने हकूक के लिए, आवाम के हकूक के लिए निकले हुए हैं, और उस वक्त इंशाल्लाह हम साथ बैठेंगे भी नहीं, आराम भी नहीं करेंगे। इसको मजीद वसी करने के लिए अगर हुकूमत टस से मस नहीं करती, हमारे मुतालबात पे बात नहीं करती, तो हम मजबूरन इस एहतजाज को वसी करते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, ग्रैंड हेल्थ अलायंस में हम तमाम इस धरती से, इस मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इंशाल्लाह हम इमरजेंसी के सिवा बाकी तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट को जाम करेंगे। आखिर में हमारे साथ यही एक रास्ता है, हम रूटीन इम्यूनाइजेशन से भी इनकार करेंगे, हम पोलियो से भी इनकार करेंगे, हम माँ सेवाए लेबर या इमरजेंसी केसेस जो है, क्योंकि उसमें आवाम के खातिर हमने वो चीज़ को बंद भी नहीं करेंगे। लेकिन आखिर में हमारा अरबा यही है कि हम तमाम बलूचिस्तान को जाम करके हेल्थ डिपार्टमेंट को और अपने हकूक के खातिर निकलेंगे। थैंक यू सो मच मैम। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।